सुनिए तो भाई साहब पिछले दिन क्रॉस प्रोडक्ट में जो हम लोग पढ़े थे वो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ चुके थे जिसमें क्या सब पढ़े थे आप जिसमें आप पढ़े थे क्या यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले क्या पढ़े थे ए क्रॉस बी कितना होगा सुनिए ए क्रॉस बी के बारे में आपको मैं क्या बोला था ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप दूसरा अगर यूनिट वेक्टर में बेटा सेम टाइप के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे जैसे आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के इसका आंसर कितना आता था जीरो अगर क्लॉक वाइज में लेते थे आई क्रॉस जे तो कितना आता था याद होगा ये वाला सर्कल तुमको इस सर्कल में क्या करो तीन जगह एरो लगाओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखो क्या आई जे के और अगर इस एरो के डायरेक्शन में दो होगा तो तीसरा वाला होगा अगर तुम जे क्रॉस के लिखोगे तो कितना आएगा और अगर तुम के क्रॉस आई लिखोगे तो कितना आएगा लेकिन अगर उल्टा ले रहे थे उल्टा ले रहे थे जैसे क्या जे क्रॉस आई तो कितना लेते थे तीसरा वाला लेकिन माइनस साइन के याद है ना अगर के क्रॉस जे लेते थे तो कितना लेते थे तीसरा वाला लेकिन माइनस साइन के साथ और अगर आई क्रॉस के लेते थे तो आई क्रॉस के का मतलब तीसरा वाला लेकिन माइनस साइन के इतना चीज़ मैं तुमको बता दिया था और तुमसे ये मैं पूछा था कि भाई अगर अपने पास दो वेक्टर हो वेक्टर ए इक्वल टू एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप और एक दूसरा वेक्टर हो वेक्टर बी इक्वल टू एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप तब हम लोग ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे तो सर डॉट प्रोडक्ट में तो सिंपली जो है सो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिए थे डॉट से आंसर आ गया था क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम लोग वैसा कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम लोग वैसा कर सकते हैं लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्या होता है देखो आई क्रॉस जे अलग आ रहे है और जे क्रॉस आए अगर कहीं भी एक बार उल्टा लिखाया तो पूरी कहानी खत्म तो इससे बचने के लिए इस कहानी से बचने के लिए आप लोगों को आज मैं जो पढ़ाऊंगा वो मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और जो मैथ्स का टॉपिक है वो क्या डिटर्मिनांट और फिर आपको मैं क्रॉस प्रोडक्ट लिखाना सिखाऊंगा तो सबसे पहले देखो कि डिटर्मिनेंट हम लैंग्वेज कॉमन रखते हैं भाई मैथ्स हमको हिंदी में नहीं आती है ठीक है पता नहीं क्या बोलते हैं लेकिन आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी डिटर्मिनाट से रिलेटेड ठीक है समझ में आ रहा है बात तो देखिए डिटर्मिनाट में क्या है तो सबसे पहले आपसे कोई आदमी पूछेगा क्या कि ये डिटर्मिनाट होता क्या है ठीक ना डिटर्मिनाट होता क्या है तो सीधे सीधे रिक्टेंगल आप लोग जानते हैं रिक्टेंगल क्या होता है लंबाई और चौड़ाई चतुर्भुज है ना आयत जिसको आप बोलते हैं तो देखिए डिटर्मिनाट होता क्या है तो ये क्या है एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर है क्या है अरेंजमेंट ऑफ नंबर अरेंजमेंट का मतलब आप जानते हैं अरेंजमेंट का नंबर मतलब अरेंजमेंट का मतलब क्या एक क्रम में सजाना ठीक ना अरेंजमेंट ऑफ नंबर है अब इस अरेंजमेंट में ये कह रहा है कि कैसा अरेंजमेंट होगा तो इस अरेंजमेंट के बारे में ये क्या कह रहा है कि ये जो अरेंजमेंट होगा तुम्हारा ये रिक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा आयताकार अरेंजमेंट होगा कैसा अरेंजमेंट होगा आयताकार तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या रिकटेंगुलर रिक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर अब देखिए रिक्टेंगुलर अरेन्जमेंट का मतलब क्या हुआ तो रिक्टेंगल में लंबाई और चौड़ाई होती है तो देखिए रिक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ ऑफ नंबर अब कह रहा है क्या कि ये नंबर कैसा हो सकता है तो ये नंबर तुम्हारा वास्तविक संख्या हो सकता है ठीक ना ये नंबर तुम्हारा काल्पनिक संख्या हो सकता है इमेजिनरी नंबर ठीक ना ये नंबर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है ना? ये नंबर तुम्हारा जो है सो पॉजिटिव हो सकता है ये नंबर तुम्हारा नेगेटिव भी हो सकता है ये नंबर तुम्हारा फ्रैक्शन भी हो सकता है ये नंबर तुम्हारा इंटीजर भी हो सकता है मतलब किसी भी तरह का जो नंबर रहे इस सारे नंबर को जब हम लोग क्या करेंगे रिक्टेंगुलर अरेंजमेंट करेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे डिटर्मिनाट समझ में आ रही है बात अब देखो बेटा कि इस डिटर्मिनाट का सिंबॉल जो होता है इस डिटर्मिनाट का जो सिंबॉल होता है वो सिंबल होता है क्या जिसको आप बोलते हैं मॉड सिंबल क्या होता है मॉड अब देखो कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ और डिटर्मिनांट को जो डिनोट किया जाता है डिटर्मिनाट को जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल लेटर आप ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं या फिर डेल्टा भी लिख सकते हैं या फिर डी भी लिख सकते हैं डिटर्मिनाट को इस तरह से डिनोट किया जाना है ये तीन चीज अब देखो कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ सर मान लो तीन पाँच सात माइनस दो जीरो छः चार तीन एक है ये देखो तो रिक्टेंगुलर दिख रहा है क्या जितनी लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई है रेक्टेंगुलर दिख रहा है लेकिन एक बात बताइए कि अगर मैं यहीं पे लिखूँ तीन दो एक अब ये रिक्टेंगुलर है क्या रेक्टेंगुलर नहीं है भाई रिक्टेंगुलर होने के लिए यहां पर भी कुछ ना कुछ होना तो इसको डिटर्मिनेंट कहेंगे क्या नहीं कहेंगे लेकिन ये रिक्टेंगुलर है तो रिक्टेंगुलर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे डिटर्मिनेंट अच्छा यहाँ हम सारा रियल नंबर लिए हैं कोई जरूरी नहीं है कि ये सारा रियल नंबर ही हो यहाँ पर आप कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं जैसे देखिए मेरा मन है लिखने का साइन थीटा आयोटा ठीक ना साइन थीटा आयोटा लॉग एक्स कुछ भी डाल सकते हैं आप थ्री माइनस फाइव बाई टू फ्रैक्शन है ना रूट अंडर माइनस सेवन इमेजनरी नंबर है कि नहीं कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं अल्फा बीटा गामा कुछ भी आप डाल सकते हैं रिक्टेंगुलर है तो इसे डिटर्मिनेंट कहेंगे बात समझ में आ गया कोई भी नंबर डाल दो बस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को ही क्या बोलेंगे डिटर्मिनेंट बोलेंगे अब देखो भाई कि इस डिटर्मिनेट में इस डिटर्मिनेंट में कुछ रेखाएं तुमको दिख रही होगी जो खरी लाइन है ये देखो इसको क्या बोला जाता है कॉलम इसको क्या बोला जाता है कॉलम और ये पहला कॉलम है तो इसको डिनोट किया जाएगा सीवंस इसी तरह से ये देखिए कि ये दूसरा कॉलम है तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किस चीज से और ये तीसरा कॉलम है तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किस चीज से P3 से बात समझ में में आ गई हिंदी मुझे लग रहा है इसको बोलते हैं त... स्तंभ ठीक ना हाँ उतना तो आता ही है अब देखो ये खरी रेखाएं है, है ना और जो परी रेखाएं आपको दिख रही है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या रो और ये पहला रो है तो इसको क्या लिखेंगे आर वन दूसरी जो परिरेखाएं आपको दिख रही है ये है रो टू तो इसको क्या बोलेंगे और ये जो तीसरी परीरेखाएं आपको दिख रही है इसको क्या बोलते हैं आर थ्री बात समझ में आ गया अब देखो कि यहीं पर रो और कॉलम अगर आप समझ गए हैं तो एक टर्म आता है क्या ऑर्डर ऑफ डिटरमिनाट क्या आता है ऑर्डर ऑफ डिटरमिनाट किसी भी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होगा तो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट में तुम सीधे याद क्या रखना नंबर ऑफ रोज मतलब जितने उसमें रो होंगे इनटू नंबर ऑफ क्या कॉलम इनटू नंबर ऑफ क्या कॉलम कि किसी भी डिटर्मिनेंट में जितने रो होंगे उसको अगर आप कॉलम के साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे तो वही उसका क्या हो जाता है ऑर्डर अब देखो कि इसमें कितने रो हैं बेटा एक दो तीन और कॉलम कितने हैं बराबर तो इसका ऑर्डर कितना होगा नहीं थ्री इंटू थ्री अब देखिए ये ऑर्डर क्या है तो इस ऑर्डर से आपको केवल ये इंफॉर्मेशन का पता चलता है क्या कि किसी गिवन डिटर्मिनेंट में कितने रो हैं या कितने कॉलम ठीक है अब देखो कि अगर हम तीन इंटू तीन नौ लिख देते तो इस नौ को आप एक गुने नौ भी लिख सकते हैं तीन गुने तीन भी लिख सकते हैं और नौ गुने एक भी लिख सकते हैं तो तीन गुने तीन का मतलब केवल एक ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें तीन रो और तीन इसका मतलब हो जाता है कि इसमें एक रो और नौ कॉलम रहेगा मतलब ऐसे एक दो तीन चार यहां से लेकर के और नौ तक लिख देंगे तो ये जो डिटर्मिनेंट हुआ ये डिटर्मिनेंट ये कितना होगा एक गुने नौ का समझ रहे हैं बात इसका मतलब अलग हो गया नौ कॉलम एक नौ रो एक कॉलम तो नौ रो का मतलब एक दो तीन चार ऐसे करके लिखेंगे नौ तक और ये जो डिटर्मिनेंट होगा ये कितना होगा नौ गुने एक का इसीलिए बेटा मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है केवल मल्टीप्लीकेशन में इससे क्या पता चलेगा कि इस डिटर्मिनेंट में कितने रो है और इसमें कितने कॉलम है समझ में आ गया बात। तो अगर देखिए कि ये चीजें जो हुई आपकी क्या हुई ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट की अब देखिए कि किसी भी डिटर्मिनेंट में जितना भी नंबर है किसी भी डिटर्मिनेंट में जितना भी नंबर है उसको क्या बोला जाता है एलिमेंट उसको क्या बोला जाता है एलिमेंट अब देखिए कि इसमें क्या ऑल इंडिविजुअल नंबर ऑल इंडिविजुअल नंबर ऑल इंडिविजुअल नंबर इनसाइड अ डिटर्मिनेंट इनसाइड अ डिटर्मिनेंट कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर में जितनी भी संख्याएं हैं उस संख्याओं को क्या बोला जाएगा इज नोन एज क्या इज नोन एज एलिमेंट Known as क्या? Element. इस क्या सारे को क्या बोलेंगे एलिमेंट अब जरा सा ध्यान ध्यान से से तुम देखो तो से देखो तो जरा सा कि तीन क्या है एक एलिमेंट है अल्फा क्या है एक माइनस फाइव बाई टू क्या है? और हर एलिमेंट का अपना एक फिक्स पोजीशन है हर एलिमेंट का क्या है अपना एक मतलब अगर इस माइनस फाइव बाई टू के बारे में कहे तो हमको पता है कि ये दूसरे रो का है और दूसरे कॉलम का भी है एक फिक्स पोजिशन है कि नहीं तो जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट बताया जाता है डिनोट किया जाता है वो पोजीशन को कैसे डिनोट करना ये देखो कि मान लो कि कोई भी एलिमेंट है ए आई जे ठीक ना कोई भी एलिमेंट का नाम दे दिया क्या ए आई जे इसका मतलब क्या होता है कि जो ए एलिमेंट है ए इज द एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ आई थ्रू मतलब आईमा रो का है ठीक ना एंड जेथ कॉलम जेथ कॉलम मतलब जेमा कॉलम का है समझ में आ गया बात अब देखो कि अगर हमको इस तरीके से एक डिटर्मिनेंट ए बराबर लिखना हो तो इसमें तुम देखो कि हम इधर से रो लिखेंगे इधर पहला रो तो पहला रो का मतलब ए वन वन पहला रो और पहला अगर हम लिखेंगे तो ए वन टू पहला रो और दूसरा अगर हम लिखेंगे ए वन थ्री मतलब पहला रो और तीसरा हम और भी चाहें तो लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना अगर अब हम लिखें तो ए टू वन अब दूसरा रो शुरू हो गया कॉलम अभी पहला ही है ए टू टू और ए टू थ्री ऐसे ही शुरू करें तो ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे अब देखो कि अगर इस बीच वाले एलिमेंट को हम देखते हैं तो सीधे कहेंगे क्या कि आई के जगह पर कितना है इसका मतलब ये दूसरे रो का है और जे के जगह पे कितना है इसका मतलब ये दूसरे समझ में आ रहा है बात अगर हम इसको देखेंगे तो I के जगह कितना है मतलब तीसरे रो का है और जे के जगह कितना है इसका मतलब कौन से कॉलम का है बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अगर इतनी बात समझ में आ रही है दोस्त तो ये बताओ कि ये ए आई जे से अगर तुमको बोले कि थ्री इंटू थ्री का डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करना है तो तुम देखो कि इसमें तीन रो है कि नहीं आर वन आर टू और आर थ्री है ना और तुम्हारे पास ये देखो कि सी वन सी टू और सी थ्री है कि नहीं अगर इसका दोस्त बोले ऑर्डर लिखने के लिए तो ये डिटर्मिनाट कितने का है थ्री इंटू थ्री का अगर आपको बोले एम इंटू एन का डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर क्या बोले आपको एम इंटू एन का एक डिटर्मिनेंट आप बनाइए ठीक ना तो एम इंटू एन का डिटर्मिनेंट बनाना है मतलब एम इंटू एन का मतलब क्या हुआ कि इसमें एम रो होगा एम रो होगा और एन कॉलम होगा है ना तो एम रो बनाना है तो एम रो बनाना है तो देखो तो ए वन वन पहला रो पहला कॉलम ए वन टू पहला रो का दूसरा कॉलम हमको कॉलम कहां तक लेके जाना है एन तक तो भाई साहब ए वन थ्री भी लिखेंगे और इस तरीके से करते करते कहां तक चले जाएंगे ए वन एन तक हो गया एन कॉलम इसी तरीके से आप देखिए दूसरा रो शुरू करेंगे ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री और करते करते कहाँ तक जाना है ए टू एन तक इस तरीके से हम इसको भी बढ़ाते बढ़ाते हमको कितना रो बनाना है एम रो बनाना है तो कितना लिखेंगे ए एम वन एम टू एम थ्री और बढ़ाते 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 कहाँ तक चले जाएंगे ए एम एन तक और ये सारा भी बढ़ते बढ़ते यहाँ पर एलिमेंट सारा भर जाएगा और इसी डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक डिटर्मिनाट है जिसका ऑर्डर कितना है एम इन एन का एम इन एन का मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि एक डिटर्मिनाट जिसमें एम कॉलम हो और एन समझ में आ रहा है बात एम कॉलम हो एन रो हो एक्टिव मोड में रहिए एक्टिव मोड में एम इंटू एन का मतलब होता है पहले रो और तब कॉलम समझे एकदम साइलेंट हो जाते हैं ऐसे जैसे कुछ देखे ही नहीं है आज तक इतना बात समझ में आ गया इतना बात समझ में आ गया कि नहीं अब देखो जब इतना बात तुमको समझ में आ गया है तो अब सीधे बात करते हैं किस चीज़ की काम की अभी तक क्या कर रहे थे सर फालतू तो की <laughs> चलो देखो अब तुम्हारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है एक डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है थ्री टू फाइव सेवन माइनस टू थ्री जीरो सेवन फोर अब आपको कह रहा है कि बताइए कि इसमें ए वन टू कितना है आपको कहे बताइए ए थ्री टू कितना है आपको कहे बताइए कि ए टू वन कितना है मान लीजिए ये तीन एलिमेंट कहा अब सुनिए कि जब भी ये एलिमेंट आपको पता करना रहे जब भी ये एलिमेंट आपको पता करना रहे तो सुनिए करना क्या है ए वन टू मतलब पहला रो पहला रो को काट दो पहला रो को क्या करो काट दो और टू का मतलब कौन सा कॉलम दूसरा कॉलम ये वाला कि ये वाला ये वाला कौन सा एलिमेंट कटा कौन सा एलिमेंट कटा इसका मतलब जो ए वन टू होगा वो तेरा कितना होगा ए वन टू इक्वल टू कितना हो जाएगा समझ में आया अगर इतना समझ में आ गया तो देखो थ्री टू कह रहा है थ्री का मतलब थर्ड रो तो थर्ड रो को काटो और दूसरे कॉलम को काटो कौन सा एलिमेंट कटा मतलब ये कितना हो जाएगा ए टू वन कह रहा है मतलब दूसरे रो को काटो और पहले कॉलम को काटो कौन सा एलिमेंट काटा समझ में आ गया एलिमेंट पहचानना कि नहीं एलिमेंट पहचानना आया कि नहीं एलिमेंट पहचानना आ गया तो अब जैसे ही आपको बोले देखो हम लोगों को मेनली क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के लिए थ्री इंटू थ्री का डिटर्मिनेंट पढ़ना है कितने का थ्री इंटू थ्री का तो थ्री इंटू थ्री का डिटर्मिनेंट तो आपको कंस्ट्रक्ट करने आ ही गया होगा कितना ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू और ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री इतना बात समझ में आया है कि नहीं आया है इतना बात समझ में आया है कि नहीं अगर इतना बात समझ में आ गया है तो तुम क्वेश्चन देखो कि कैसे बनाना है एक क्वेश्चन में बना के दिखाऊंगा बाकी तुम खुद से बना के दिखाओगे ठीक है तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा क्वेश्चन कहेगा कि एक डिटर्मिनेंट का रचना करिए हिंदी में लिखे ना एक डिटरमिनेंट का ठीक है ना अंग्रेजी चलेगा तो अच्छा रहेगा ठीक ना एक डिटर्मिनेंट का रचना कीजिए एक डिटर्मिनेट का रचना कीजिए कीजिए जिसका क्रम जिसका क्रम तीन गुने तीन का हो तथा वह तथा वह ए आई जे बराबर एक बटा दो आई प्लस जे का पालन करें सुनो क्या कह रहा है भाई कि एक डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करना है कितने ऑर्डर का थ्री इंटू थ्री का तो थ्री इंटू थ्री का डिटर्मिनेंट तुम देख लो क्या ए वन वन ए वन और ए वन ए टू ए टू ए टू ए थ्री ए थ्री ए थ्री कोई दिक्कत अब देखो कि कह रहा है क्या कि पालन किस चीज का करे इस नियम का पालन करे ए आई जे इक्वल टू वन बाई टू इन टू आई प्लस जे तो अगर हमको ए वन वन पता चल जाए भाई A11 पता चल जाए तो ए वन वन का मतलब कितना हुआ वन बाई टू इंटू आई के जगह भी कितना और जे के जगह भी कितना यही तो कह रहा है क्या कह रहा है ए आई जे इक्वल टू एक बट्टा दो आई प्लस ये तो एक बट्टा दो आई प्लस कितना हो जाएगा ये एक बट्टा दो गुने दो से दो कटेगा कितना आ गया मतलब जो हमारा आंसर वाला डिटर्मिनेंट होगा जो आंसर वाला डिटर्मिनेंट होगा उसमें यहाँ पर कितना रहेगा समझ में आया कि नहीं दूसरा एलिमेंट निकालो ए वन टू तो जब ए वन टू निकालोगे भाई तो वन बाई टू इंटू आई के जगह देखो कितना है और जे के जगह कितना है कितना हो जाएगा वन बाई टू मतलब ये कितना हो गया मतलब भाई ये दूसरा एलिमेंट जो है वो कितना है समझ में आया कि नहीं आया ए वन थ्री निकालना है मतलब कितना वन बाई टू इन टू आई के जगह पर कितना और जे के जगह पर कितना कितना हो जाएगा एक बट्टा दो तो गुने कितना आ जाएगा टू मतलब यहाँ पर कितना आ गया समझ में आ रहा है कि नहीं एक एक एलिमेंट यहाँ से उठाओ और उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर निकालो और जिसका जो जगह है वहीं पर रख दो कंस्ट्रक्ट ठीक ना सारा निकालिए और रखिए वैल्यू तो देखिए ये तीन निकल गया अब आया किसका वैल्यू ए टू वन का तो वन बाई टू इंटू टू प्लस ये भी कितना आ जाएगा थ्री बाई टू चलो रखे यहाँ पर थ्री बाय टू आया ए टू टू का तो ए टू टू का मतलब कितना वन बाई टू इंटू टू प्लस कितना आएगा देख लो चार में दो से भाग दो कि कितना आएगा दो तो ऐसे ही आ जाएगा क्या ए टू थ्री का वन बाय टू इंटू टू प्लस थ्री कितना आ जाएगा फाइव बाय यहाँ पे रख दो वैल्यू कितना फाइव बाई समझ में आ रहा है कि नहीं थ्री वन तो एक बट्टा दो गुने तीन प्लस एक कितना, आ 2, कितना आ 1 एक बट्टा दो गुने तीन प्लस दो कितना आ जाएगा पाँच बट्टा देखो ए थ्री थ्री कितना एक बट्टा दो गुने तीन प्लस कितना आ जाएगा थ्री कितना आया दो पांच बट्टा दो और तीन दो पांच बट्टा दो और कितना बन गया डिटर्मिनेंट कि नहीं बन गया तो दो यहाँ पांच बट्टा दो अच्छा पांच बट्टा दो हाँ ठीक है ये मिसप्रिंट हो गया था गलती हमसे नहीं होता है <laughs> सुनिए <laughs> क्या कह रहे थे कि जब भी भाई आपको बोले कोई डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो चीज़ आपके पास गिवन रहेगा क्या एक किस ऑर्डर का करना है तो पहले उस ऑर्डर का जनरल डिटर्मिनेंट लिख लो और उसका हर एलिमेंट जिस नियम का पालन करेगा वो नियम भी तुमको दिया रहेगा अब हर एलिमेंट में तुमको ए आई जे में तुमको आई और जे पता रहेगा आई और जे पता रहेगा कहाँ से देख के यहां से देखो आई कितना वन जे भी कितना आई कितना जे कितना आई कितना जे कितना तो भाई साहब जब आई और जे पता है तो इस नियम में खाली आई और जे का वैल्यू क्या करना है उस एलिमेंट का वैल्यू निकल जाएगा फिर से सारे को क्या करना है सजा देना है डिटर्मिनेंट बन गया तो अगला डिटर्मिनेंट आप लोग बना करके दिखाएंगे चलिए तैयार हो जाइए कॉपी पेन निकाल करके और 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 क्या चलो पेज एडी कर लेते हैं सुनो इस बार जो तुम लोगों को डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करना है इसका ऑर्डर है तीन गुने चार और रूल जो है वो है ए आई जे इक्वल टू वन बाई टू इंटू आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर क्या सर अपने आसान वाला कर लेते हैं हम लोगों को थोड़ा भारी वाला दे देते हैं क्या भारी है इसमें ये बताओ तुम इसमें भारी क्या है चलो बनाओ कॉपी निकालो जरा सा हम सर्वेक्षण में निकलते हैं थोड़ी सी बड़ी है ना तो भाई साहब और जनसंख्या में थोड़ा सा बढ़ाइए स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए चलिए देखिए ऑर्डर कितना है मतलब कि रो कितना होगा इसमें और कॉलम कितना होगा इतना बात समझ में आ रहा है चलो आ रहा है तो इसका एक जनरल डिटरमिनेंट लिख के देखिए आप ए आई जे सुनिए कितने रो ले जाने हमको और कॉलम कितने तो भाई पहला कॉलम ए वन वन दूसरा ए वन तीसरा ए वन और चौथा ए वन कोई दिक्कत ए टू ए टू ए टू ए टू और कितना ए थ्री ए थ्री ए थ्री, ए थ्री और ए थ्री अब देखो ये हो गया इतना एलिमेंट इसमें बारह एलिमेंट है आपके पास बारहों एलिमेंट का क्या करना है वैल्यू तो वैल्यू निकालना है तो शुरू करते हैं कहाँ से ए वन वन से तो देखिए ए वन वन का मतलब आई के जगह कितना और जे के जगह भी कितना तो भाई साहब इसका वैल्यू रखने के लिए वन बाई टू इंटू आई का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर और जे का स्क्वायर भी यानी तो वन बाई टू इंटू कितना हो जाएगा वैल्यू कितना आ जाएगा आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत तो चलो हम इधर इसका आंसर लिखने के लिए तैयार रहते हैं ये आया पहला आंसर वन दूसरा एलिमेंट क्या है ए वन टू तो वन बाई टू इंटू आई स्क्वायर बात नहीं वन बाई टू इंटू आई स्क्त जगह कितना बेटा और जगह कितना कितना हो जाएगा एक बटा दो गुने एक प्लस यानी कि कितना पांच बटा हो जाएगा कि नहीं यानी दूसरा एलिमेंट तुम्हारा कितना आया तीसरा एलिमेंट देखो क्या है ए वन थ्री तो ए वन थ्री का मतलब कितना वन बट्टा टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक बट्टा दो गुने एक प्लस कितना हो जाएगा दस बट्टा दो कितना पांच क्या है एलिमेंट तीसरा वाला देखो ए वन फोर तो ए वन फोर जब निकालोगे तो वन बाय टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा दोस्त वन बाय टू इंटू एक प्लस सोलह यानी कितना सत्रह बट्टा यहां पर कितना आ जाएगा सत्रह बटा सारा करके तुम वैल्यू निकाल लोगे क्या अब वैल्यू निकाल कर कैसे ही सजा भी लोगे क्या सजा लोगे तो आंसर आएगा अगर जोड़ घटाओ ठीक रहा तो आंसर सही रहेगा अगर जोड़ घटाओ ठीक रहा तो आंसर समझ में आ गई बात डिटर्मिनेंट कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ट्वेल्थ में जब मैथमेटिक्स का डिटर्मिनेंट पढ़ोगे या जहाँ भी पढ़ोगे तो तुमको पहले यही सब चीज़ पढ़ाया जाएगा अब हम आ जाते हैं भाई अपने काम पर है हाँ ना अब हम आ जाते हैं कहाँ पर अपने तो पंद्रह मिनट एकदम कंप्लीट मेरे साथ तुम लोग देखोगे ठीक है अपने सिलेबस में हमको वेक्टर पढ़ाने के लिए जिस डिटर्मिनाट को पढ़ना है सुनो सुनो एकदम शांत वेक्टर पढ़ाने के लिए जिस डिटर्मिनाट को पढ़ना है वो है थ्री इंटू थ्री का ठीक है और थ्री इंटू थ्री का डिटर्मिनाट जो है आपका वो कितना है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू और ए टू ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री कोई दिक्कत है इसमें अब देखो कि इसको बोलेगा कि एक्सपेंड करके इसका वैल्यू निकालिए इसको क्या बोलेगा एक्सपेंड करके इसका तो देखो इसका एक्सपेंशन तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो इसका एक्सपेंशन तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो किसी भी रो के लौंग या किसी भी कॉलम के लौंग आंसर सब में सेम ही आएगा किसी भी रो के अलॉन्ग या किसी भी तो हम तुमको पहले दिखाते हैं आर वन के along एक्सपेंड करके और तुम नियम सीखते रहना कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ जो एकदम नियम सीखते रहना तो देखो भाई ए वन वन है पहला एलिमेंट आर वन में कितने एलिमेंट है तीन अब तीनों एलिमेंट को क्या करो बारी बारी से पकड़ो एकदम पिंक कलर में देखो पहला एलिमेंट कितना है ए वन वन तो इसको हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं किसके एलोंग एलोंग आर वन रो वन के अलॉन्ग क्या कर रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं अब देखो ध्यान से देखते रहो आर वन का पहला एलिमेंट कितना ए वन वन और एक नियम है भाई कि माइनस वन का पावर वन प्लस वन आई प्लस दे लगा देना। जब भी तुम ए आई जे एलिमेंट को एक्सपेंशन में आना तो इसके साथ माइनस वन का पावर कितना लगाओगे आई प्लस समझ में आ रहा है बात तो पहला एलिमेंट क्या लिए वन वन और माइनस वन का पावर आई प्लस जे करेंगे कितना आ जाएगा वन प्लस समझ में आ रही है इतनी बातें अब क्या करिए इसके बगल में आप एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बना लीजिए छोटा सा डिटर्मिनेंट क्या करिए बना लीजिए अब जरा सा आप ध्यान से देखेंगे क्या कि आपका जो ए वन वन एलिमेंट है वो कौन से रो में और कौन से कॉलम में है आप क्या देखेंगे कि जो आपका एलिमेंट ए वन वन है वो कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है उस रो को और उस कॉलम को आप क्या करिए कैंसिल कर दीजिए उस रो को और उस कॉलम को आप क्या करिए तो देखो तो फर्स्ट रो कौन सा, है? ये और फर्स्ट कौन सा है देखो तो चार एलिमेंट जो बचा वो कौन कौन सा एलिमेंट बचा ए टू टू वैसे ही लिख देना है उसको ठीक है जो जैसे आपको दिख रहा है उसको क्या करिए आप वैसे ही लिख दीजिए चार एलिमेंट जो बचा आपका वो कितना ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू और ए थ्री समझ में आया कि नहीं आया पहला रो का पहला एलिमेंट का काम हो गया पहले रो का पहले एलिमेंट का काम समझ में आया कि नहीं आया अब देखो जो दूसरा एलिमेंट है पहले रो का प्लस वो कितना है ए वन टू और एक नियम क्या बताया माइनस वन का पावर आई प्लस समझ में आया कि नहीं आया अब जब समझ में आ गया भाई तो समझ में आ गया तो इसके बगल में भी क्या करो एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बना लो और छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाने के बाद तुम करो क्या तुम करो क्या पहले अब पहले वाले को मैं क्या करता हूं ना इसको डिलीट करता हूं ठीक है अब देखिए कौन सा एलिमेंट लिया ए वन टू दूसरा एलिमेंट ये कौन से रो में है कौन से रो में है फर्स्ट रो में और कॉलम कौन सा है तो फर्स्ट रो को फिर से क्या करो काटो सेकंड कॉलम को भी क्या करो देखो तो चार एलिमेंट बचा हुआ दिख रहा है उस चारों एलिमेंट को ऐसे ही लिख दो क्या क्या है एलिमेंट ए टू वन कौन कौन सा एलिमेंट ए टू वन ए टू थ्री ए थ्री वन और ए थ्री थ्री समझ में आया कि नहीं आया समझ में आया अब देखिए तीसरा एलिमेंट लीजिए तो जो तीसरा एलिमेंट लीजिएगा कितना प्लस ए वन थ्री नियम क्या कह रहा है माइनस वन का पावर वन प्लस फिर से क्या करना है एक डिटर्मिनांट बना देना है अब जब डिटर्मिनेंट बना दीजिएगा तो अब की बार आप क्या करिए कि देखिए तो जो ए थ, वन थ्री आपका एलिमेंट है वो कौन से रो में है ए वन थ्री कौन से रो में है और कौन सा कॉलम है तो भाई साहब करो यूं कि पहला रो को खत्म करो और तीसरा कॉलम को भी क्या करो चार एलिमेंट बचा हुआ दिख रहा है कि नहीं अगर चार एलिमेंट बचा हुआ दिख रहा है कौन कौन सा है ए टू वन कौन कौन सा एलिमेंट है ए टू वन ए टू टू और कितना है ए थ्री और ए थ्री ए थ्री टू अच्छा ए थ्री टू इतना बात समझ में आ गया कि नहीं अगर इतना तेरे को समझ में आ गया तो इसके बाद की कहानी बहुत ही आसान है सबसे टॉप वाले एलिमेंट को पकड़ सबसे टॉप वाले एलिमेंट को क्या करो पकड़ो और डायगोनली मल्टीप्लाई कर दो डायगोनली क्या करो मल्टीप्लाई कर दो सबसे टॉप वाले एलिमेंट को पकड़ो और डायगोनली क्या करो मल्टीप्लाई कर दो देखो जब सबसे टॉप वाले एलिमेंट को पकड़ करके तुम डायगोनली मल्टीप्लाई करोगे तो ए टू टू और ए थ्री थ्री को क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा देखिए क्या हुआ माइनस वन का पावर कितना हो जाएगा ये वन प्लस वन और टू करोगे तो ये कितना हो जाएगा वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो ये रह जाएगा तेरा ए वन वन ब्रैकेट शुरू करो इस दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है तो ए टू टू इन टू ए थ्री बीच में माइनस का साइन लगाओ बीच में माइनस का साइन लगाओ और अब इस टॉप वाले को क्या करो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा ए टू थ्री और ए थ्री इसका काम हो गया समझ में आया दूसरा एलिमेंट देखिए ये माइनस वन का पावर वन प्लस टू थ्री है तो माइनस वन का पावर इवन रहेगा तो वन हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑड रहेगा तो माइनस आ जाएगा है ना तो जब माइनस आ जाएगा भाई तो ये पूरा का वैल्यू देखो तो तुम इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा और माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए वन टू लिख लो माइनस ए वन टू लिख लो अब फिर से वही काम क्या करो कि ऐसे डायगोनली मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा ऐसे जैसे ही डायगोनली मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना तुम्हारा आ जाएगा कितना ए टू वन ए थ्री माइनस का साइन डालो और ऐसे मल्टीप्लाई करके क्या करो कितना हो जाएगा ए टू थ्री और ए थ्री समझ में आया कि नहीं तीसरा एलिमेंट उठाइए देखिए पावर कितना है चार इवेन की ऑड इवेन रहेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो ये कितना हो गया ए वन थ्री फिर से क्या करिए ऐसे मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा ए टू वन इंटू ए थ्री माइनस ऐसे मल्टीप्लाई करके क्या करिए ए टू टू और ए थ्री ए थ्री वन हो गया ये आपका क्या आंसर अब आप देखिए कि जितना भी ए वन वन है ए टू टू है ए थ्री थ्री है सबका वैल्यू कुछ ना कुछ नंबर में रहेगा सारे नंबर का वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो कोई एक नंबर आएगा कि नहीं आएगा आएगा सर करके दिखाओ अब देखो कि इसमें याद कैसे रखे आर वन के अलॉन्ग किए तो प्लस माइनस प्लस आया आर वन के अलॉन्ग किए तो प्लस माइनस और ये प्लस माइनस किसके कारण आ रहा है आई प्लस जे के कारण अगर आई प्लस जे इवन आए तो साइन में कोई चेंज आ, अगर जो है सो ऑड आए तो साइन क्या हो जाएगा माइनस तो तुम देखो कि यहां से एक चीज तुम याद रखो क्या कि देखो तो वन वन ऐड करोगे कि कितना आएगा टू आएगा ऑड की इवेन 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 में साइन क्या वन प्लस टू करोगे थ्री आएगा ऑड वीवन साइन क्या वन प्लस थ्री करोगे तो समझ में आ रहा है वन प्लस थ्री करोगे तो कितना आएगा वन आएगा तो वन का साइन क्या प्लस टू प्लस वन करोगे तो प्लस माइनस और प्लस माइनस अब देखना कि अगर आर वन के अलॉन्ग करोगे तो तुम ये माइनस वन के झंझट से भाई मुक्ति पा ले अगर आर वन के अलॉन्ग करोगे तो प्लस माइनस और आर टू के अलॉन्ग करोगे तो माइनस प्लस अगर आर थ्री के अलॉन्ग करोगे तो अगर सी वन के अलोंग करोगे तो सी टू के अलॉन्ग करोगे तो और सी थ्री के अलोंग करोगे तो ये सिंबल याद रहेगा कि नहीं रहेगा रहेगा याद अब देखिए कि सवाल कैसे बनाना है सर और किसी भी रो कॉलम से अगर हम लोग करेंगे तो आंसर कैसे सेम आएगा है ना तो एक छोटा सा सवाल लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं और आज एक्सपेंशन का क्लास हम लोग क्या करेंगे समाप्त करेंगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन ही सीखना हमारे लिए मेन मोटिव था क्लियर चलो देखो है इसका नंबर रहेगा तो नंबर को सॉल्व करेंगे अभी एग्जाम्पल में ये इतना ही काफी था देखिए एक डिटर्मिनेंट लेते हैं बाबू कितना ले लो कुछ भी थ्री टू फाइव सेवन थ्री नाइन फोर टू वन ठीक है अब इसको हम क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं किसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं अलोंग आर वन पहले एक्सपेंड अलोंग आर वन तो देखो क्या बोला इसका साइन देखो तुम साइन तुमको याद होना चाहिए प्लस माइनस प्लस है ना तो पहला एलिमेंट प्लस में लिखेंगे थ्री इन ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको क्या करो कैंसिल आउट कर दो कैंसिल आउट करने के बाद क्या करो कैंसिल आउट करने के बाद पहले एक बार स्टेप लेके कर रहे हैं जो चार एलिमेंट बचा कौन कौन सा तीन नौ दो रहने दो ठीक है अब देखिए दूसरा साइन क्या लेना है दूसरा एलिमेंट क्या है फिर से एक डिटर्मिनेंट शुरू करिए अब देखिए इस रो को और इस कॉलम को कैंसिल करिएगा तो चार एलिमेंट बचेगा सात चार नौ कितना बच रहा है सात चार नौ और समझ में आ रहा है तीसरा साइन क्या लेना है कौन सा एलिमेंट है इस वाले रो को कॉलम करो इस वाले कॉलम को कैंसिल करो तो ये चार एलिमेंट बचेगा कौन कौन सा है ये सात चार तीन अब देखो अब क्या बोला कि ऐसे मल्टीप्लाई करो तो तीन गुने ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो तीन गुने एक आ माइनस नौ गुने दो माइनस टू डालो ऐसे मल्टीप्लाई करो सात गुने एक और माइनस नौ गुने चार ऐसे घटा लो प्लस पांच डालो सात गुने दो आ माइनस चार गुने समझ में आया कि नहीं अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालोगे क्या कितना आ जाएगा भाई साहब तीन गुने तीन माइनस अठारह माइनस दो गुने सात माइनस नौ चौक छत्तीस प्लस पांच गुने चौदह माइनस चौदह माइनस ये चौदह ज्यादा अंग्रेजिया नहीं हो गया चौदह माइनस बारह अब देखिए कितना हो जाएगा तीन माइनस पंद्रह कितना हो जाएगा ये तीन गुने माइनस पंद्रह अठारह अठारह में से तीन जाएगा तो कितना माइनस पंद्रह ठीक है माइनस दो गुने माइनस उनतीस ठीक ना छत्तीस में से सात जाएगा तो उनतीस बचेगा और प्लस पांच गुने दो प्लस पांच गुने दो ये करिएगा तो कितना आ जाएगा माइनस पैंतालीस ये हो जाएगा प्लस उनतीस गुन्नी अठावन और ये हो जाएगा कितना प्लस तो ये हो जाएगा अठावन दस अड़सठ और माइनस पैंतालीस आंसर कर लेना आ जाएगा तीन और दो तेईस तो समझ में आया कि नहीं अच्छा ये तो सर आर वन के लॉन्ग की कुछ और करके दिखाइए कुछ और करके दिखाइए तो कुछ और करके दिखाते हैं चलो यहीं पर कर लें, यहीं पर कर लें, तो ये थोड़ा कचरा है इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं ठीक ना अब देखो इस कचरे को थोड़ा सा कहीं कहीं से हटाओ पहले क्लियर हो गया चलो अब ये साफ हो गया तुम बोलो अब किसके अलॉन्ग करें आठ सी टू चलो सी टू कुछ लोगों का मतलब है क्या सी टू के एलोंग एक्सपेंड करिए तो सी टू के अलोंग में बेटा तुमको याद होगा माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस साइन कौन सा आएगा माइनस प्लस सी टू का पहला एलिमेंट कौन सा प्लस में कि माइनस में प्लस में कि माइनस में अगला पेज ले लेते हैं क्या माइनस टू ठीक है अब देखो जरा सा पहला एलिमेंट लिए कितना माइनस जब इस रो को और इस कॉलम को कैंसिल करोगे तो सात चार नौ एक बचेगा कितना बचेगा सात चार नौ एक सात चार नौ एक कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत आ जाओ इधर दूसरा एलिमेंट क्या लेना है साइन क्या रहेगा प्लस थ्री प्लस एक डिटरमिनेंट शुरू कर दो और एक डिटरमिनेंट जब शुरू करोगे तो देखो जब इस एलिमेंट को कैंसिल करोगे और इसको कैंसिल करोगे तीन बचेगा पांच बचेगा चार बचेगा एक बचेगा तीन चार पांच, एक तीन चार पांच, तीन चार पांच, एक ठीक ना? अच्छा इस साइड डालना था। तीन चार पांच, एक ठीक है अब तीन चार पांच, एक था तो अब इतना को जो है सो मिटाना पड़ेगा ना चलिए ये हो गया अगला एलिमेंट देखिए कौन सा है भाई दो और दो का साइन क्या लेना है माइनस में तो कितना लिखोगे माइनस माइनस टू है ना कितना लिखोगे माइनस टू डिटरमिनेंट शुरू करो और डिटरमिनेंट शुरू करके देखो इस कॉलम को कैंसिल करना है इस रो को कैंसिल करना है तीन सात पाँच तीन सात पाँच और कितना बचा तीन सात पाँच और देखो अब सॉल्व करते हैं इसको तो जब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये माइनस दो गुने, देखो सात एक कम सात और माइनस नौ चौक प्लस तीन गुने तीन एकम तीन और माइनस चार पंचे माइनस टू इंटू तीन नम में सत्ताईस और माइनस पाँच सत्ते पैंतीस इतना समझ में आया कि नहीं इतना समझ में आ गया तो देखो तो ये हो जाएगा माइनस दो गुने माइनस उनतीस प्लस तीन गुने माइनस सत्रह और माइनस दो गुने माइनस कितना आठ ठीक है अब देखिए इसमें कि ये कितना हो जाएगा उनतीस दुनी माइनस सत्रह प्लस आठ दुनी देख लो तेईस है कि नहीं देख लो तेस है कि नहीं अगर तेईस तो है तो भाई साहब किसी भी रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए हिसाब बराबर टाइम हो चला है क्या तो टाइम हो गया है तो भाई अगले दिन तेरे को क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के लिए इतने एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी तो घर से इतना एक्सपेंशन खुद से पढ़ के आना कि क्या कहानी है अगले दिन जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो आपसे ये नहीं पूछूंगा कि अब क्या करना है आपको रिवीजन खुद से करके आना है आज के पूरे क्लास का अच्छा मैथ्स अच्छा पढ़ाता हूँ फिजिक्स हाँ लड़का कहेगा मैथ्स अच्छा पढ़ाते फिर फिजिक्स का पढ़ते हो मजबूरी है जियो चलो सुनो तुमको पता होना चाहिए मेरा मैथ्स पढ़ाने का अनुभव फिजिक्स से अधिक है चलो इतना पढ़ के आना ठीक है इतना पढ़ के आइएगा इसको करते हैं सेव आ...